हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है इरुल, जो कि मलयालम मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 2 अप्रैल 2021 से। मलयालम फिल्मों में मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर से बड़ा ही पॉपुलर जॉनरा है और मलयालम फिल्मों के दर्शकों को इस स्पेस में बनाई हुई फिल्में काफ़ी पसंद आती हैं। इस जॉनर की फिल्मों में ज़्यादातर प्रोडक्शन वैल्यू, उसके लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और उसके म्यूजिक से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है नरेटिव पे, और ये फिल्में तभी सक्सेसफुल होती है जब इसकी राइटिंग अच्छी हो। इस फहरिस्त में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम नॉन मलयालम फिल्मों के दर्शकों के लिए है दृश्यम, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जिसमें मोहनलाल थे और उसका फिर हिंदी रीमेक किया गया था उसी साल। और फिर पिछले साल रिलीज हुई है दृश्यम 2, जिसका हिंदी रीमेक भी ऑन द वे है। इसके अलावा अगर पीछे मुड़ के देखें तो 1988 में के मधु ने डायरेक्ट की थी ओरू सीबीआई डायरी कुरिप्पू, जिसमें ममूटे थे, और फिर इसका तेलुगु में भी रीमेक किया गया था और हिंदी में भी। हिंदी रीमेक था राजकुमार नसरुद्दीन शाह स्टार पुलिस पब्लिक और वो सक्सेसफुल था। इसके अलावा थी 2013 में पृथ्वीराज स्टार मुंबई पुलिस, और फिर पिछले साल रिलीज हुई थी अंजाम परिता, जो मलयालम फिल्मों की रिस्पेक्टेबल मिस्ट्री फिल्म्स है। इन फिल्मों के अलावा जो हिंदी मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फीचर फिल्म्स है उसमें कई सारे नाम हैं और कई सारी फिल्में हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है 1999 में राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट की हुई और अनुराग कश्यप ने लिखी हुई कौन, जिसका एक ही लोकेशन पर 3 कैरेक्टर्स ने क्रिएट किया हुआ एटमॉस्फियर बिल्टअप बड़ा ही हैरत अंगेज और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और उसी पार्श्वभूमि के कुछ हद तक नज़दीक पहुंचती है इरुल, जिसमें एटमॉस्फियर क्रिएशन बड़ा ही एजी और बड़ा ही सस्पेंसफुल है। कहानी एक राइटर की है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीकेंड मनाने के लिए शहर की भीड़भाड़ से दूर जा रहा है, और ऐसे में उसकी कार एक जगह पर रात में बारिश में एकाएक खराब हो जाती है। और अब उन दोनों ने, उसके गर्लफ्रेंड ने भी साथ में मोबाइल इसलिए नहीं लाया है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी से कनेक्ट हो या कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। अब ऐसी परेशानी में वो देखते हैं कि सामने घर है, उस घर में वो पहुंचते हैं ये सोचकर कि जो भी रहेगा उससे वो फ़ोन करने के लिए गुजारिश करेंगे, जिससे कि वो मैकेनिक को बुला सके। उस घर में जो आदमी है वो बड़ा ही विचित्र पेश आ रहा है, वो उनसे कहता है कि इस घर का टेलीफोन बंद है क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन वो उनसे आग्रह करता है कि वो रात को यहीं रुक जाए। बातचीत में उस होस्ट को ये पता चलता है कि ये जो राइटर है उसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है इरुल। इरुल का मतलब अंधकार है, और उसमें एक सीरियल किलर की कहानी है। उस किताब को इस होस्ट ने भी पढ़ा है और वो जमकर उस किताब की निंदा करता है। वो इस राइटर को कहता है कि उसने जो सीरियल किलर की कहानी में फिल्म लिखी है वो काल्पनिक है और उसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं, और उसने ना ही कोई रिसर्च किया है और ना ही कोई फैक्ट ढूंढने की कोशिशें की है। इस बात से उस राइटर और इस होस्ट के बीच में एक फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। इसी बहस के बीच में अचानक ही लाइट चले जाती है, और उसके बाद इन 3 पात्रों को पता चलता है कि उनके अलावा भी जो चीज़ वहाँ पे मौजूद है वो है एक लाश। इससे नेचुरली उनके बीच में एक टेंशन क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद एक एक करके रहस्यों की परतें खुलने लगती है। ये राज इतने भयानक है कि ये 90 मिनट के ड्यूरेशन वाली फिल्म आपको झकझोरने में सफल होती है। इसमें कई सारी खूबियां भी हैं और कई सारी खामियां भी हैं। सबसे पहले अगर हम खामियों की बातें करें तो इसमें 2 प्रमुख खामियां हैं। इन 2 प्रमुख खामियों में सबसे पहली खामी है राइटिंग। सुनील यादव ने लिखी हुई इस फिल्म की राइटिंग पहले 40 से 45 मिनट में ग्रिपिंग है, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो अपनी पकड़ खोते जाती है। फिल्म के अंतिम चरण में जहाँ पर मेन क्लाइमेक्स है, उस वक्त तो स्क्रीन प्ले बड़ा ही लचर है, यानी कि आखिर के 10 मिनट राइटर ने बड़े ही अनमने और बड़े ही इमैच्योर ढंग से लिखे हुए हैं। दूसरी खामी है नाटकीयता। एक खास ड्यूरेशन के बाद फिल्म बड़ी नाटकीय लगने लगती है। सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के बीच में ऐसा लगता है मानो नाटक का मंचन किया जा रहा हो, और अगर ऐसा लगता है तो ये फिल्म की हार है। इन 2 खामियों के अलावा अगर हम खूबियों की बातें करें तो खूबियां ज़्यादा है। कम से कम 5 खूबियां इस फिल्म में मैं आपको गिना सकता हूँ। इनमें सबसे पहली खूबी है डायरेक्शन।
इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेब्यू डायरेक्टर नसीफ यूसुफ इजुद्दीन ने, जिन्होंने इससे पहले हिंदी फिल्में जैसे कि काय पोचे और फिर न्यूटन और रईस में ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया था। ये उनका डायरेक्टरल डेब्यू जो है वो बड़ा ही इंप्रेसिव है, कि उनके डायरेक्शन में काफ़ी पैनापन है, काफ़ी समझ है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको कहानी कहना आता है। लॉकडाउन के दौरान बड़े ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच में, बड़े ही कम एक्टर्स और कम प्रॉपर्टी के साथ उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर का ग्राफ खड़ा किया है, और एक्टर्स के परफॉर्मेंस को जो एक्सट्रैक्ट उन्होंने किया है उसमें मैं कहूँगा कि एक बड़े ही मैच्योर और समझदार डायरेक्टर की इस फिल्म के साथ ही एंट्री हुई है। दूसरी खूबी है एटमॉस्फेयर क्रिएशन। एक सुनसान जगह पर एक हवेली नुमा घर, फिर उसके बाद उसका बेसमेंट, और उसके बाद आती जाती रोशनी, और उसके बाद तीन कैरेक्टर्स जो कि कॉन्वर्सेशन में फिक्शन में आ जाते हैं, ऐसे सारे कैरेक्टर्स और इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बाद एक बड़ा ही रहस्यमय और डरावना एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इस फिल्म की विशेषता है। तीसरी खूबी है स्टारकास्ट। घर के मालिक के किरदार में फहद फासिल, लेखक के किरदार में सौबिन शाहिर, और उसकी गर्लफ्रेंड बनी दर्शना राजेंद्रन माइंड ब्लोइंग है। इन सीजन एक्ट्रेस ने गजब की प्रतिभा का परिचय दिया है अपनी अदायगी में। फहद फासिल जो कि एक नेशनल अवार्ड, 4 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स और फिर 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ ले चुके हैं, वो इस फिल्म में अपने स्किल सेट के साथ चरम सीमा पर है। चौथी खूबी है बैकग्राउंड म्यूजिक। इस तरह की फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो मानो फिल्म का कैरेक्टर होता है। शिराग साजी है इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, जिन्होंने मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ एक बड़ा ही एटमॉस्फेरिक और मूडी म्यूजिक क्रिएट किया है, और कई बार जहां इंपैक्ट की जरूरत होती है वहां तो उन्होंने कमाल किया है। पांचवी खूबी है एडिटिंग। शमीर मोहम्मद ने बड़ी ही सफाई और बारीकी से इस फिल्म की एडिटिंग की है, और वो इस फिल्म के इम्पैक्ट को कन्वे करवाने में सफल रहे हैं। सारी फिल्म को 90 मिनट की लेंथ में कहना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। इन 5 कारणों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस तरह के प्रयास सराहनीय हैं। मलयालम सिनेमा हमेशा ही जाना जाता रहा है अपने कंटेंट के लिए, अपने रियलिस्टिक अप्रोच के लिए, और अपने ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियों के लिए। इस फिल्म में भी आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस ने एक सिम्फनी क्रिएट की है, और एक बड़ा सक्सेसफुल एंटरटेनमेंट क्वेश्चन क्रिएट किया है। यहाँ के सारे ही कलाकार बड़े ही ईमानदार लगते हैं, और फिर आज के दौर में प्रोफेशनल इंटीग्रिटी कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। गो फॉर इट।